अपनी स्किन का, अपने हेयर का अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छे से केयर करो, लापरवाही मत करो। आप छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लेके जा सकती है। आज मेरे पास जो क्लाइंट आए थे, इनके स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्टोर हो रखा था और काफ़ी सारी लीकेज थी। सो जनरली इनकी एज ज़्यादा हैवी नहीं थी, इनकी एज काफ़ी छोटी थी, शी इज़ अराउंड नियर बाई 16-17 साल की बच्ची थी। ये जब चीज़ आपकी इन्फेक्शन होता है, लीकें होती हैं या फिर गंद होता है, ये एकदम से इतना सारा नहीं होता जितना एकदम से हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये शुरुआत में पहले थोड़ा होता है, फिर थोड़ा होता है, फिर थोड़ा होता है, फिर बहुत सारा होता है, फिर बहुत सारा होता है, इससे मल्टीपल होता है। एक झटके में सब गंदा फंगस नहीं आता, इन्फेक्शन नहीं आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी स्कैल्प की क्लीनिंग, इन्फेक्शन को क्लीन करना, डेरों को क्लीन करवाना, इनको क्लीन एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने फेस की, अपनी स्कैल्प की केयर करेंगे तो आपकी स्कैल्प और आपका फेस अच्छा बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि झटके से ये सारा इन्फेक्शन आके इनकी स्कैल्प में बढ़ गया। मैंने इनको एडवाइस भी किया था कि ये पूरा शेव ऑफ करवाओ और इन्फेक्शन को क्लीन करवा लो पूरा डॉक्टर के पास जाके, बट उन्होंने इस चीज़ को नहीं रेफर किया। उन्होंने बस उनको टैंगल आउट करवा के अपने बालों को प्रोटीन डलवाया। बट मैं आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शंस है, अगर आपकी स्कैल्प में इतनी सारी लीकें हो गई हैं, इन्फेक्टेड हो गया है, अगर शुरुआत हो गई है, तो वहीं से अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, देन कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। बेस्ट सोल्यूशन ऐसे बालों के लिए, इनको शेव ऑफ करना होता है। शेव ऑफ करके उसके बाद इनको आप स्कैल्प को क्लीन करना होता है, इन्फेक्शन को इन्फेक्टेड सोल्यूशंस के साथ साफ करना होता है, देन इसको आप हाइड्रेट कर सकते हैं। काफ़ी छोटी एज में हमने इनके बालों को तभी क्लीन तो किया है, बट बेस्ट सॉल्यूशन शेविंग रहता है। सो अभी हम आपके साथ एक वीडियो शेयर कर जो आप देख रहे होंगे बच्चे की। सो प्लीज़ अपने अपनी स्किन का, अपने हेयर का अपना ध्यान रखो, अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छे से केयर करो, लापरवाही मत करो। आप छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लेके जा सकती है, जैसे ये बच्ची भी गई हुई थी। सो प्लीज़ ऐसा मत करो। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लव योर लाइफ एंड उसको टाइम दो। अगर आप लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए टाइम होगा? मतलब मुझे मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं लोगों को कहती हूँ ऐसे कर लेना, वो कहते हैं टाइम नहीं है। फिर किसके लिए टाइम है जब आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं है? सो प्लीज़ गिव योर सेल्फ अ ब्यूटिफुल टाइम। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लव इट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी ब्यूटिफुल। जय माता दी। कई लोग मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं, मेरा एड्रेस मांगते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरा नंबर भी होगा, मेरा एड्रेस भी होगा। आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल ना उठे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम द्वारका में हैं, द्वारका सेक्टर 6, CSC मार्केट दिल्ली में है ये। पूरा एड्रेस हम शेयर कर देंगे, अपना नंबर भी शेयर कर देंगे, सब अटैच हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए। कॉल ना उठे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय माता दी।